बात निकाय की स्पेशल क्लास 2023 में होगी अग्नि परीक्षा, क्योंकि जिस तरह से निकाय चुनाव की सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में टल रही है उससे चुनाव में देरी होती नजर आ रही है। अब निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में शनिवार को होनी है, लेकिन सवाल बड़ा है कि जो सुनवाई अब तक नहीं हो पाई वो क्या एक दिन में हो पाएगी, और अगर हो भी गई तो क्या फाइनल फैसला आ पाएगा, क्योंकि अब चुनाव में हो रही देरी पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। भाजपा सपा पर आरोप लगा रही है तो सपा भाजपा को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है। निकाय की स्पेशल क्लास 2023 में होगी अग्नि परीक्षा। निकाय का चुनाव हुआ लेट, कब तक करना होगा वेट? कब बजेगा 24 के सेमीफाइनल का बिगुल? बिना ऐलान के सियासत हाउसफुल। जिस निकाय चुनाव को राजनीति के जानकार 2024 का सेमीफाइनल बता रहे हैं, जिसके जरिए राजनीतिक दल चुनावी बिसात बिछा रहे हैं, उस निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान बढ़ता ही जा रहा, क्योंकि जब से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगाई है कोर्ट में सुनवाई टलती जा रही, क्योंकि 23 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई होती उससे पहले ही कोर्ट ने अगले दिन की तारीख मुकर्रर कर दी। अब 24 दिसंबर को स्पेशल कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो सुनवाई अब तक पूरी नहीं हुई क्या वो स्पेशल कोर्ट की एक दिन की सुनवाई में पूरी हो जाएगी? ये सवाल इसलिए है कि अब हाईकोर्ट की छुट्टी भी शुरू हो गई है, मतलब निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही ना हो पा रहा हो लेकिन कोर्ट में तारीख पर तारीख जरूर मिलती जा रही। निकाय चुनाव के लिहाज से 24 दिसंबर का दिन काफी अहम माना जा रहा है। निकाय चुनाव के मामले में 23 दिसंबर को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई टल गई। वैसे तो 24 दिसंबर से कोर्ट में शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता की मांग पर, उनके अनुरोध पर अब इस मामले की 24 दिसंबर को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब सबकी निगाहें इस पर है कि कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है। कोर्ट सुनवाई के बाद इस मामले में कोई फैसला देगा या फिर आगे की कोई और तारीख दे दी जाएगी। वहीं निकाय चुनाव में हो रही देरी पर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि चुनाव में देरी के लिए भाजपा याचिका दाखिल करने वालों को जिम्मेदार बता रही तो सपा गलत आरक्षण पर सवाल उठा रही। जहां तक निकाय चुनाव से संबंधित विषय है, हम लोगों की पूरी तैयारी है, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र करके चुनाव टलवाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की, देश की जनता इन सारे विषयों को जानती है। सपा बसपा कांग्रेस रालोद से बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता। ये सारे प्रयोग कर चुके हैं और 2019 में जनता ने जिस प्रकार का जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में दिया है वो हमारे सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को मालूम है कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी, इसलिए वो नगर निकाय के चुनाव को टालना चाहती है। अब सवाल इस बात का है कि अगर शनिवार को निकाय चुनाव पर फैसला नहीं आया तो क्या होगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अब निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की रणनीति क्या बदल पाएगी, क्योंकि सवाल सिर्फ रणनीति बदलने का नहीं, सवाल गठबंधन का भी है, क्योंकि भाजपा हो या सपा सबके अपने अपने सहयोगी हैं। जहां सिंबल देने की जरूरत पड़ेगी सिंबल देंगे, और जहां फ्री छोड़ने की जरूरत पड़ेगी वहां फ्री भी छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में गठबंधन भी है निषाद पार्टी के साथ, अपना दल के साथ। निषाद पार्टी दावेदारी कर रही है, सीट मांग रही है निकाय चुनाव को लेकर के, तो क्या सहयोगियों को भी दी जाएगी सीट? गठबंधन का निर्णय तो केंद्र का है, केंद्रीय पार्टी जो तय करेगी उस पर काम करेंगे, लेकिन कोई समस्या नहीं है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। चूंकि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और उस पर सुनवाई चल रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, और जब भी चुनाव होंगे, अभी अगर होते हैं तो अभी भी तैयार हैं, अगर कभी भी होते हैं तब भी तैयार। मतलब एकदम साफ, निकाय की लड़ाई जितनी लेट हो रही सियासी बयानबाजी उतनी ही तेज हो रही, लेकिन सवाल बड़ा है कि निकाय का ये चुनाव आखिर सुनवाई के भवन से कब बाहर निकलेगा, क्योंकि जितनी जल्दी इस पर फैसला आएगा उतनी जल्दी इसकी तारीख का ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।